हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में आज जो पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं वो है पेडिग्री और जीन मैपिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद पेडिग्री। ये पेडिग्री क्या होता है? वन सेकेंड। ओके, तो ये पेडिग्री क्या होता है? पेडिग्री एक पिक्टोरल फेनोमेनन है, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली ट्रेट्स। फैमिली ट्रेट्स एक पेडिग्री के हेल्प से हम समझ सकते हैं कि उस फैमिली का जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं, क्या क्या ट्रेट्स वहाँ पे फॉलो होते हैं, वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ पेडिग्री। तो पेडिग्री में कुछ साइंस एंड सिंबल्स यूज होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं? वन सेकेंड, ऑल राइट। तो कैसे होते हैं? सबसे पहले मैं एक पेडिग्री का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ठीक है, सपोज ऐसा होता है पेडिग्री, ये होता है फर्स्ट जनरेशन, ये होता है सेकेंड जनरेशन, और भी जनरेशन्स हो सकते हैं, अब जितना चाहे बढ़ा सकते हो जनरेशन्स को। ऐसे करके मार्क करा जाता है जनरेशन्स को। ठीक है, और अभी क्या होता है, ये जो पहला ऊपर वाला जो लाइन है जो कि ऐसे हमने दिखाया, ये वाला जो लाइन हमने दिखाया, ये होता है रिलेशनशिप लाइन। रिलेशनशिप लाइन, ठीक है, ये वाला जो लाइन है इसको बोला जाता है सिबलिंग लाइन। और ये दोनों लाइन को जो जोड़ता है, ये वाला जो लाइन है इसको बोला जाता है लाइन ऑफ डिसेंट। ठीक है, लाइन ऑफ डिसेंट। ये दोनों जो है अगर ऐसे वाले लाइन से जुड़े रहेंगे तो ये दोनों हो गए सिबलिंग। अगर ऐसे वाले लाइन से जुड़े रहेंगे तो उसका मतलब है कि दे आर मैरिड, रिलेशनशिप लाइन। और ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन दिखाता है कि इन पेरेंट्स से ये चिल्ड्रन प्रोड्यूस्ड हुए। ठीक है, ओके, अभी हम हर एक सिंबल को एक एक करके देख लेते हैं। ये है नॉर्मल मेल, ये है नॉर्मल मतलब विदाउट डिजीज, नॉर्मल मतलब, ठीक है, नॉर्मल फीमेल। और अगर ऐसा हो तो सेक्स अनडिटरमाइंड। ठीक है, अगर ऐसे दिखाया जाए तो इसका मतलब होता है प्रोबैंड। प्रोबैंड का मतलब क्या है? कोई कैरेक्टर जिस भी किसी इंसान पे पहले सबसे पहले देखा गया वो होगा प्रोबैंड। ठीक है, अगर ऐसा है तो डिसीज्ड, दे आर डेड। इसका मतलब अफेक्टेड या फिर डिजीज्ड बोल सकते हो आप। जिस ट्रेट का हम देख रहे हैं वो यह इसमें प्रेजेंट है।
कैरियर, इनमें डिजीज तो नहीं है लेकिन ये कोई ट्रेट को कैरी कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट जनरेशन में वो डिजीज आ सकती है। अगर ऐसा हो कोई डिजीज का ये एसिम्प्टोमेटिक है। कोई जेनेटिक डिजीज का ये एसिम्प्टोमेटिक है, इनमें डिजीज तो है लेकिन ये शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हुआ तो एडॉप्टेड, एडॉप्शन दिखाते हैं। इसका मतलब है कॉन्सेंग्विनिटी, मतलब सेम फैमिली में अगर शादी हो, ठीक है, फिर ये होता है डाइजाइगोटिक ट्विन्स। ये है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स मतलब आइडेंटिकल ट्विन्स, और वो है फटर्नल ट्विन्स। ओके, तो ये थे पेडिग्री के सिंबल्स। अभी हम पेडिग्री में पांच टाइप के ट्रेट्स हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहला है ऑटोसोमल रिसेसिव, कैसे समझेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव है कि नहीं? अगर ऑटोसोमल रिसेसिव होगा बोथ सेक्सेस में देखा जाएगा, यूजुअली मेल हो या फीमेल हो, इक्वल फ्रीक्वेंसी में, बोथ सेक्सेस ट्रांसमिट डिजीज या फिर ट्रेट, सिर्फ डिजीज तो नहीं ट्रेट, ठीक है, बोथ जो दोनों ही ट्रांसमिट करते हैं, नो जनरेशन स्किपिंग, ठीक है, सॉरी वेट अ सेकेंड, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये होगा डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, इफ वन पेरेंट अफेक्टेड एंड अदर नॉर्मल देन अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड। ठीक है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स डज नॉट ट्रांसमिट ट्रेट, तो ये हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब देखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। इनमें क्या क्या कैरेक्टर आता है ऑटोसोमल रिसेसिव में? इसमें भी बोथ सेक्सेस इक्वल फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पे जनरेशन स्किप देखा जाता है। अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग यूजुअली बॉर्न टू अनअफेक्टेड पेरेंट्स। ये एक वे है, ऐसा नहीं है कि अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग सिर्फ अनअफेक्टेड पेरेंट्स से ही होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक वे है टू रिकॉग्नाइज, ठीक है, मतलब कि सपोज ये ऐसे दो पेरेंट है, दोनों ही अनअफेक्टेड है, लेकिन इसका जो चाइल्ड है वो
अफेक्टेड पैदा हुआ। ये सिर्फ तभी हो सकता है, मतलब सपोज ये आरआर प्रेजेंट हुआ, रिसेसिव कंडीशन कैसे आया इसमें, ऑटोसोमल रिसेसिव, इस ऐसा डिजीज़ आया इसमें जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव वे में ही आता है। तो इसका मतलब ज़रूर इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर था, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर था, इसीलिए वो अनअफेक्टेड पेरेंट्स थे। लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आरआर और आरआर पेरेंट से नहीं हो सकता, उससे भी हो सकता है, ठीक है, उससे भी अफेक्टेड आ सकता है। लेकिन ये एक वे है टू अंडरस्टैंड, इससे आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि आपको ये जेनोटाइप तो दिए नहीं रहेंगे। ओके, फिफ्थ, इफ बोथ पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस हुए तो 1/4 ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड, ये हमको पता है। कैसे? आरआर आरआर थे तो मतलब ऐसे होंगे गैमेट्स, तो आरआर 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 और आरआर सिर्फ यही तो अफेक्टेड होंगे, तो 1/4 अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। अपीयर्स मोर इन कॉन्सेंग्विनस मैरिज, कॉन्सेंग्विनस मैरिज में ये ज़्यादातर देखा जाता है। अभी थर्ड, अभी आते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव पे। ये कैसा होता है? अफेक्ट्स मोर मेल्स देन फीमेल्स, क्यों? क्योंकि मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अफेक्टेड सन्स बॉर्न टू अनअफेक्टेड मदर्स, स्किप जेनरेशंस, अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ कैरियर मदर, मदर्स सन्स आर अफेक्टेड, कैरियर मदर हुई तो उसके ऑलमोस्ट हाफ सन्स अफेक्टेड होंगे। नेवर पासिस फ्रॉम फादर टू सन, ऑल डॉटर्स अफेक्टेड इफ फादर्स आर कैरियर्स, सॉरी, अगर अफेक्टेड फादर हुआ तो फिर ऑल डॉटर्स कैरियर्स, सारे डॉटर्स उसके कैरियर्स होंगे, ठीक है। तो मतलब फादर टू डॉटर जा सकता है, कैरियर्स हो सकते हैं, होगा ही ऐसा नहीं लेकिन हो सकते हैं। अभी आते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पे। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स अफेक्टेड, मोर फीमेल्स अफेक्टेड देन मेल्स, ठीक है। नो जेनरेशन स्किप, अफेक्टेड डॉटर मस्ट हैव अफेक्टेड मदर और अफेक्टेड फादर और बोथ। नेक्स्ट, अफेक्टेड फादर्स डॉटर्स को पास करते हैं, फादर टू डॉटर, और
और जो मदर्स होते हैं, अफेक्टेड मदर्स ट्रीट टू पास करते हैं, ट्रीट टू हाफ सन्स, हाफ ऑफ हर सन्स एंड हाफ ऑफ हर डॉटर्स। ठीक है, तो ये है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। और सबसे इजी जो है अंडरस्टैंड करने में वो होता है वाई लिंक्ड। ओनली मेल्स अफेक्टेड, फादर टू सन डज नॉट स्किप जनरेशन। ठीक है, ये कुछ कैसा दिखेगा? सपोज ऐसा है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, जनरेशन स्किप नहीं कर रहा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, दिस इज वाई लिंक्ड। एक्स लिंक्ड का एक देख लेते हैं छोटा सा, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जगह नहीं है। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैसा दिखेगा? देखिए यहाँ पे कोई जनरेशन स्किप नहीं है, सारे जनरेशंस में प्रेजेंट है। ठीक है, हम एक लाइन को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम इस फादर से इस डॉटर, फिर ये डॉटर सन। ठीक है, जनरेशन स्किप नहीं है। फिर हम कैसे समझ सकते हैं? सपोज़ कि ये है, सपोज़ हमें पता नहीं है कि ये क्या है, तो हम पकड़ते हैं कि ये है आर आर, सपोज़ रिसेसिव हम लोग लेके चल रहे हैं। तो फिर ये भी आर आर था, और ये हमें पता नहीं, ये कैपिटल आर भी हो सकता है या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी कुछ भी हो सकता है, नहीं ये कुछ भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है। ठीक है, मतलब ये कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये भी स्मॉल आर। अभी देखिए, ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर होगा। ये कैपिटल आर नहीं हो सकती, ये सिर्फ कैपिटल आर स्मॉल आर ही हो सकता है, वरना ये स्मॉल आर नहीं आता, राइट? अभी देखिए यहाँ पे स्मॉल आर है, तो ये होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, तभी स्मॉल आर आ सकता है। मतलब ये यहाँ पे भी कैपिटल आर नहीं होगा, तो यहाँ पे स्मॉल आर है, तो इसमें भी स्मॉल आर था और इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर। ये वाला आप देखोगे तो ये दोनों ही हो सकता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, और अभी देखते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ये हो सकता है कि नहीं। देखिए अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो
तो ये होगा स्मॉल आर स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ये भी है कैपिटल आर स्मॉल आर, जो जो अनअफेक्टेड है सब स्मॉल आर स्मॉल आर ही होंगे। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन ये आप लोग, मैंने कैसे करना है मैंने बस वो दिखाया, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैंने बस आप लोगों को समझाया कि कैसे आप लोगों को देखना है, आप लोगों को हमेशा ही एक ही मिलेगा, दूसरा नहीं होगा, और अगर दो हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा आपको पेडिग्री था जिसमें दोनों ही हो रहे हैं, तो फिर इधर क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, या फिर ऑप्शंस आप लोग देखोगे तो फिर दोनों ही हो सकते हैं, ऐसा ही कुछ दिया होगा, ठीक है। तो पेडिग्री करना ऐसे है, इस वे में है जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। ऑलराइट, ठीक है, तो अभी पेडिग्री के बाद हम लोग आते हैं जीन मैपिंग पे। मैं एक बहुत ही इजी वे दिखाऊंगी जीन मैपिंग करने का, और इसी वे में आप लोगों को सारे के सारे करने हैं। सबसे पहला चीज़ जो याद रखना है, हाईएस्ट नंबर जिसका होगा वो होगा पेरेंटल, और लोएस्ट जो होगा वो होगा डबल क्रॉसओवर्स, रेस्ट जो होंगे वो होंगे सिंगल क्रॉसओवर्स। अभी सबसे पहला जो कन्फ्यूशन रहता है स्टूडेंट्स को वो है ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करें। ऑर्डर फाइंड आउट करना सबसे इजी है, ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ जीन्स, कुछ नहीं करना होता है, बस कंपेयर पेरेंटल एंड डीसीओ, आप बस कंपेयर करोगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मिडिल जीन है। तो ये यहाँ पे मैं जो जीन मैपिंग डिस्कस करने वाली हूँ वो है 3 पॉइंट, 2 पॉइंट इजी होता है बहुत, और उससे 3 पॉइंट से ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। अभी हम SCO1 SCO2 कैसे निकालेंगे, आफ्टर फाइंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर जानने के बाद SCO1 कैसा होगा, फर्स्ट जीन होमो पेरेंट्स होमो या फिर वो पेरेंटल है, सेकेंड एंड थर्ड होगा रिकॉम्बिनेंट, हेटेरो या फिर रिकॉम्बिनेंट, और SCO2 में क्या होगा, उल्टा, फर्स्ट एंड सेकेंड होगा होमो एंड पेरेंटल, एंड थर्ड जीन होगा हेटेरो या फिर रिकॉम्बिनेंट। तो इस वे में हमें निकालना है सब, मैं पूरा सम करके मैं दिखाऊंगी, तब आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी बस मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बोलते जा रही हूँ। डिस्टेंस कैसे निकालना है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड जीन्स, SCO1 प्लस DCO बाई टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड जीन्स, SCO2 प्लस DCO बाई टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3। ये निकालने के दो वेज हैं, एक होता है एक्चुअली, एक ही वे में हम लोग निकालते हैं, बड़ा वाला वे करने की जानने की भी ज़रूरत नहीं है। स्टेप 4 प्लस स्टेप 5 करो, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा ऐड कर दो, मिल जाएगा हमें। अभी
ऑब्जर्व डीसीओ, ये होता है सम ऑफ डीसीओ गिवेन इन डेटा एंड एक्सपेक्टेड डीसीओ। एससीओ वन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई एससीओ टू का फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रोजेनी। कोइंसिडेंस कैसा होता है? ऑब्जर्व्ड डीसीओ बाई एक्सपेक्टेड डीसीओ, और इंसिडेंस वन माइनस कोइंसिडेंस। सी इक्वल्स टू अगर वन है, आई इक्वल्स टू जीरो है, उसका मतलब देयरफॉर 0% इंटरफेरेंस, कोई क्रॉसिंग ओवर वगैरह कुछ नहीं हुआ है। अगर सी जीरो है तो इंसिडेंस वन है, 100% इंटरफेरेंस हुआ है। ठीक है, 100% भी नहीं होता है, 0% बहुत कम होता है। तो रेंज क्या होता है? सी का 0 to 1 और आई का भी 0 to 1। ठीक है, अभी हम एक सम करके देख लेते हैं, सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके, यह है क्वेश्चन। ए कैपिटल बी कैपिटल सी 42, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी 43। यह क्वेश्चन, हमें सब कुछ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते ही हमें सबसे पहले क्या पता चल रहा है, ये जो है ये पेरेंटल है और ये जो है ये डीसीओ है, राइट। तो सबसे पहले हम ऑर्डर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पेरेंटल क्या क्या है? ए कैपिटल बी स्मॉल सी, और है स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, राइट। अगर डीसीओ हुआ, डीसीओ हमें कैसा दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और दिया हुआ है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये दिया हुआ है हमें डीसीओ में, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी और कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, राइट। तो अभी हमें देखना है ये ऐसा आता है कि नहीं। अगर इसमें क्रॉस हो, डबल क्रॉस ओवर हो, तो ये कुछ ऐसा आएगा। कैसा आ रहा है? कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ रहा है और स्मॉल सी आ रहा है, और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ रहा है और कैपिटल सी आ रहा है। ये ठीक है? वन सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी लिखी है मैंने, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे स्मॉल सी होगा और यहाँ पे कैपिटल सी होगा। ऑल राइट, तो ठीक नहीं आ रहा है, गड़बड़ी है। एक में आना चाहिए कैपिटल ए जिसमें है, उसमें स्मॉल बी और कैपिटल सी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? स्मॉल बी स्मॉल सी आ रहा है। मतलब कि दिस इज़ नॉट द ऑर्डर, नॉट ऑर्डर। तो अभी हम लोग सी को बीच में लेके देखते हैं, मतलब कैसे लिखेंगे? कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी और स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल बी। अभी देखते हैं क्या हो रहा है।
स्मॉल ए, अच्छा ऊपर है कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल बी और स्मॉल ए, स्मॉल सी, स्मॉल बी, ये भी ऑर्डर नहीं है। देखिए यहाँ पे कैपिटल ए ए मतलब सारे कैपिटल और सारे स्मॉल एक साथ नहीं है, तो फिर दिस इज़ ऑल्सो नॉट ऑर्डर। तो यही से हमें समझ एक्चुअली आ जा रहा है कि बी विंडल जीन होगा, लेकिन हम फिर भी करके देखते हैं। सॉरी सी ए मिडिल जीन होगा, यही से हमें समझ आ रहा है, क्योंकि बी नहीं है मिडिल जीन, सी भी नहीं है मिडिल जीन, तो ए ही होगा, लेकिन फिर भी हम करके देखेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल सी और स्मॉल बी, कैपिटल ए, सॉरी यहाँ पे होगा स्मॉल सी। अभी देखिए एकदम मिल गया, ये देखिए यहाँ पे कैपिटल बी है, कैपिटल बी, कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल सी, और स्मॉल बी के साथ कैपिटल ए कैपिटल सी, स्मॉल बी के साथ कैपिटल ए कैपिटल सी, तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। देयरफॉर करेक्ट ऑर्डर इज बी इज द मिडिल जीन, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, ए इज मिडिल जीन, निकल गया। तो फिर मतलब बी ए सी, ऐसा होगा ऑर्डर मेरा। अभी ए जैसे पता चल गया कि मिडिल जीन है, अभी हमें जानना है कि एस सी ओ वन और एस सी ओ टू क्या है, पेरेंटल क्या हुआ फिर। अभी ए अगर मिडिल जीन है तो पेरेंटल आया अभी बी ए स्मॉल सी और स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल सी, ये है पेरेंटल, राइट, सॉरी राइट, ये हो गया मेरा पेरेंटल। तो अभी हम देखेंगे ए सी ओ वन कैसा होगा, ये बी के साथ ए सी होगा और ये बी के साथ ये ए सी होगा, तो एस सी ओ वन कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए कैपिटल सी और स्मॉल बी के साथ कैपिटल ए स्मॉल सी, और एस सी ओ टू कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल सी और स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल सी। तो क्वेश्चन में अभी पता चल रहा है कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल सी, ये है एस सी ओ टू और ये था एस सी ओ वन, हो गया। तो एस सी ओ वन का टोटल क्या आ रहा है, 42 + 43 कर लेते हैं, ओके 42 + 43 85, यहाँ पे 5 448 385 है ना, उसके बाद सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, टू एट्टी फाइव, इसके बाद 6 and 9 डी सी ओ का टोटल आ रहा है 15, ठीक है। यह आ रहा है 5 1 6 6 1 5, ठीक है। तो आ गया हमारा, अभी हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए, फर्स्ट और सेकंड जीन के बीच में डिस्टेंस।
मतलब 42 + 43 SCO1 प्लस DCO बाई टोटल इंटू 100। AT5 + 15 बाई 1000 इंटू 100, टोटल था 1000। तो यहाँ पे आ रहा है 10, कैलकुलेट कर लेना। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी वो आएगा 285, मतलब DCO सॉरी मैं SCO2 प्लस DCO 15 और 1000 इंटू 100, यह आएगा 30। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 30 + 10 इक्वल्स टू 40। तो अगर हम ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं, ये अगर है बी, ये अगर है ए, तो यहाँ पे होगा सी। तो ये है 10, ये है 30 और ये टोटल है 40। मैप यूनिट्स या फिर सेंटी मॉर्गन CM कुछ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैप यूनिट्स या फिर सेंटी मॉर्गन, सेंटी मॉर्गन कैसे लिखते हैं, सी स्मॉल एम कैपिटल। अभी ऑब्जर्व्ड DCO वो है 6 + 9 = 15। एक्सपेक्टेड DCO वो है 0.1 × 0.3 × 1000, मतलब वो मल्टीप्लाइड बाय 100 जो था ना वो नहीं करना है हमें। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी में जो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना था वो नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं करते। तो क्या आ रहा है, 1/10 × 3/10 × 1000, मतलब 30 आ रहा है। तो अभी कोइंसिडेंस क्या होगा, ऑब्जर्व बाई एक्सपेक्टेड 15/30 × 1/2 = 0.5, मतलब इंसिडेंस क्या होगा, 1 − 0.5 = 0.5। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैपिंग। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके साथ हम जेनेटिक्स के एंड में आ जाते हैं। थैंक यू।